श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो सात स्थान शिवलिंग के जहाँ चंदन की मात्र उंगली लगाने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में एक देवों के देव महादेव हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर हमें पूजा का फल देते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव साधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। भोले बाबा को कल्याण के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन ऑर्डरदानी माने जाने वाले भगवान शिव की साधना आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा बरसती है उसके आसपास भूलकर भी दुख दारिद्रता नहीं भटकती है और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा अत्यंत ही सरल मानी गई है। भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बस हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। तो अगर हम शिवलिंग पर रोज एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। आइए भगवान शिव की पूजा में प्रयोग की जाने वाली उन चीजों के बारे में बताती हूँ जिसे चढ़ाते ही भगवान शंकर आपके सभी कष्टों को हर कर सुख संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करते हैं आपके जीवन में। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है चंदन। चंदन को पूजा पाठ की सबसे प्रमुख सामग्रियों में से एक माना जाता है। आज मैं आपको बता रही हूँ चंदन का महत्व। जो हम शिवलिंग पर चंदन लगाते हैं वे सात स्थान बताए गए हैं शिवलिंग पर जहाँ हमें चंदन को लगाना है। जहाँ भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां भी लगा देता है तो उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो वे सात स्थान ऐसे हैं जहाँ चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास प्रदान करते हैं। महादेव को चंदन अत्यधिक प्रिय है। चंदन चाहे सफेद हो या लाल चंदन, दोनों प्रकार का चंदन भोले बाबा को प्रिय है। चंदन का अभिषेक करने से शिवलिंग पर हमारे जीवन में शुभता आती है, हर प्रकार के काम बनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जो सात स्थान बताए गए हैं शिवलिंग पर चंदन लगाने के, वही मैं आज आपको बता रही हूँ। तो पहला स्थान है भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। सबसे पहले हमें भगवान के शिवलिंग पर चंदन का लेपन करना है। बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, आपको अगर स्वप्न में कोई जलता हुआ व्यक्ति या मरता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, अगर आपको स्वप्न में भय लगे कि कोई हमसे दूर जा रहा है, कोई हमसे दूर चला गया है, ऐसा भय आपको प्रतीत हो, तो वे सात स्थान शिवलिंग पर बताए गए हैं जहाँ चंदन लगाने से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। तो सात स्थान चंदन के शिवलिंग पर बताए गए हैं। तो पहला है शिवलिंग, जहाँ पर शिवलिंग पर चंदन का लेपन करना है। और दूसरा स्थान है गणेश जी का स्थान। जैसा कि आपको पता है शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो गणेश जी को चंदन अर्पित करना है। तीसरा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान। शिवलिंग के बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान माना गया है, तो तीसरा हमें चंदन कार्तिकेय जी को लगाना है। और चौथा, चंदन की उंगलियां हमें अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। पांचवा, जलधारी पर चंदन की उंगली लगानी है। और छठा स्थान है जहां शिवलिंग पर जल बह रहा है उसके ठीक विपरीत की ओर हमें चंदन अर्पित करना है। और सातवां स्थान है नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग होते हैं उन पर हमें चंदन की उंगली लगानी है। तो दोस्तों, ये सात स्थान हैं जहां पर हमें चंदन की उंगली लगानी है। तो दोस्तों, ये कब लगानी है? तो ये अमावस्या के दिन लगाई जाती है। अगर आपको लगता हो कि हमारे घर में पितृ दोष है, कोई काम नहीं बन रहा है, हम बहुत परेशान हैं, तो बस एक बार अमावस्या के दिन ये सात स्थान पर चंदन अर्पित करिए शिवलिंग पर, और देखिए भोले बाबा आपके किस तरीके से काम बनाते हैं। महीने में एक बार अमावस्या के दिन थोड़ा सा चंदन मेरे महादेव को सातों स्थान पर अर्पित कर देखिए। चंदन एकमात्र ऐसी चीज है जो महादेव को भी प्रिय है और पितरों को भी प्रिय है।
चंदन का शिवलिंग पर स्पर्श मात्र होने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होने से वो हमारे सभी रुके कार्य भी पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें और मैं आपको इस तरीके की जानकारी देती रहूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।